आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के चिलकलुरीपेट शहर के पास बोपड़ी गांव में रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी के एनडीए की रैली हुई। इसमें पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक बैठक में तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के प्रमुख और अभिनेता पवन कल्याण के साथ मंच साझा किया। इस दौरान रैली के बीच एक अजीब वाक्या हुआ। पवन कल्याण का जब भाषण दे रहे थे तभी पीएम मोदी ने उन्हें अचानक से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने जनसभा मौजूद लोगों से गुजारिश की क्या कुछ कहा और यह वीडियो क्यों तेजी से वायरल हो रहा है, पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। दरअसल टीडीपी बीजेपी और जनसेना के तत्वाधान में आयोजित प्रजागलम सभा में कार्यकर्ताओं के उत्साह ने परेशानी खड़ी कर दी। गठबंधन के बाद तीनों दल की ओर से यह पहली रैली थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से गहमागहमी का माहौल था, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश ने नेताओं को परेशान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर पहुंचे तो पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। कुछ कार्यकर्ता और मीडियाकर्मी पोल पर चढ़ गए और भाषणों का इंतजार करने लगे। जनसेना प्रमुख कल्याण अपना भाषण शुरू ही कर चुके थे तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच में हस्तक्षेप किया। उन्होंने टावर पर चढ़े कार्यकर्ताओं से नीचे आने की अपील की। प्रधानमंत्री ने पवन कल्याण का भाषण रोककर माइक संभाला। पीएम मोदी ने कहा कि जीवन बहुत कीमती है, उन्होंने ऐसा काम नहीं करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री का हाल सभा मौजूद सभी लोग नीचे उतर आए। इसके कुछ देर बाद जल्द ही एक और समस्या शुरू हो गई। कार्यकर्ताओं का जोश एक और मुसीबत लेकर आया। सभा मंच के सामने लगे साउंड बॉक्स पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के गिरने से माइक कट गया। इससे पवन कल्याण का भाषण बार बार बाधित हुआ। मंच पर मौजूद नेताओं की बार बार अपील के बावजूद कार्यकर्ताओं के मनमानी करने से भाषण बाधित हुआ। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण शुरू किया माइक एक बार फिर बाधित हो गया। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कई बार माइक बाधित हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने अपना भाषण जारी रखा। पीएम मोदी ने कहा आंध्र प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार आएगी। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।